तो शुरू करने से पहले बता दूं कि मैं कोई कॉमिक्स का ज्ञाता तो नहीं हूं, तो अगर ये उम्मीद है कि मैं कॉमिक्स एक्यूरेसी का ज्ञान पे लूंगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं बस रिव्यू करूंगा कि मुझे कैसा लगा और किस तरह मूवी से एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो रिव्यू करते हैं ब्लैक एडम के ट्रेलर को, स्टारिंग ड्वेन जॉनसन यानी द रॉक, पीर्स ब्रॉसमैन, नोवा सेंटिनियो। ये डीसी के कैरेक्टर ब्लैक एडम पर बेस्ड है, डायरेक्टेड बाय जोमे कोलेट सियरा। अब ट्रेलर देख के ये लगा कि डीसी काफी सालों बाद कुछ ढंग का लेके आ रहा है, इसलिए ब्लैक एडम पर डीसी वालों को इतना भरोसा था। पिछले कुछ दिनों से डीसी ऐसी फिल्में लेके आए जिसे जबरदस्ती पसंद करने का नाटक करना पड़ा, पहले जोकर फिर द बैटमैन। हाँ करी होगी तुमने एक्टिंग ऐसे कमजोर दिखा के, हमारे यहाँ सरबजीत रणदीप हुड्डा की एक्टिंग कहाँ देखी होगी, अगर देखी होती तो ओक्विन फिनिक्स को भूल जाते। एनीवेज ट्रेलर की बात करते हैं, ट्रेलर काफी प्रॉमिसिंग लगता है, थोड़ा समय दे देता हूँ। 2 मिनट के ट्रेलर में काफी कुछ बता दिया इन्होंने। ट्रेलर की शुरुआत में डॉक्टर फेट कहते हैं कि ब्लैक एडम पे डॉक्टर फेट कहते हैं कि ब्लैक एडम क्या मिला तुम्हें ऐसी पावर्स का जो सिर्फ दर्द देती है। तो ब्लैक एडम जिनका प्रोबेबली दूसरा जन्म हुआ होगा कहते हैं कि मरने से पहले वो एक गुलाम था, उसके बेटे ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी, फिर उसका जन्म हुआ इजिप्शियन गॉड के रूप में, अब उसे कोई डर नहीं। अब ये हीरो है या विलन इसका पता नहीं, बट ट्रेलर देख के लग रहा है कि ब्लैक एडम काफी दमदार है। उसे चूज करना है रक्षक बनेगा या अपने लोगों को ही मारेगा। बाकी सच बताऊं तो ट्रेलर देख के मजा आ गया, ऐसा लगा बस अभी देखने को मिल जाए। 21 अक्टूबर का वेट करना पड़ेगा, क्या करें, करना पड़ेगा वेट। रॉक सच में रॉक है, ये सीन देखो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।